हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज हम अपनी रसोई में बनाने जा रहे हैं ये चीज़ी सैंडविच। बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं तो मैंने सोचा क्यों ना आज उनके लिए कुछ हेल्दी और चीज़ी स्नैक्स बनाया जाए, तो इसीलिए ये चीज़ी सैंडविच मैं बना रही हूँ। बच्चों को चीज़ बहुत पसंद आती है, तो मैंने ये जो चीज़ सैंडविच बनाई है इसमें भर कर वेजिटेबल्स डाले हैं जो इसे बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बना देगा। तो जब आपके बच्चे ये चीज़ी सैंडविच खाएंगे तो उन्हें देखकर आप खुश और आपका बच्चा तो खुश हो ही जाएगा ये चीज़ी सैंडविच खाकर, क्योंकि यकीन मानिए ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस लगता है और बनाना इसको बहुत ही इजी होता है। तो चलिए अपने बच्चों को खुश करते हैं और ये चीज़ी सैंडविच बनाकर रेडी करते हैं। चीज़ी सैंडविच बनाना शुरू करते हैं। चीज़ी सैंडविच बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स ले रखे हैं, नमक ले रखा है स्वाद के अनुसार, यहीं पे मैंने प्रोसेस चीज़ ले रखी है क्यूब वाली, 2 क्यूब ले रखे हैं, और 2 स्पून मैंने मोजरेला चीज़ ले रखी है, 1 मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज ले लिया है, यहीं पर 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ले लिया है, 1 छोटा कटा हुआ टमाटर ले लिया है, और 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पे ऑरिगेनो ले रखा है, यहीं पर बटर लूंगी मैं, और 2 स्पून मैंने टोमेटो केचप ले रखा है, हरा धनिया का पत्ता कट करके ले लिया है, 1 मीडियम साइज का कैप्सिकम कट करके ले लिया है, और 1 छोटी हरी मिर्च मैंने काट के ले ली है बारीक, और ब्रेड के स्लाइसेस। फिर सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितनी भी मैंने वेजिटेबल्स ले रखी हैं उनको शैलो फ्राई करूंगी। तो 1/2 स्पून के आसपास मैं बटर ले लूंगी, और अब यहीं पर इसमें मैं ऐड करूंगी ये कटा हुआ प्याज, और इसको हल्का सा कच्चापन दूर होने तक भूनूंगी। सब्जियों को मैं ओवर कुक नहीं करना है, बस उनका हल्का सा कच्चापन दूर होने तक ही कुक करना है। यहीं पर मैं ऐड कर दूंगी ये कटा हुआ शिमला मिर्च, टमाटर, कटी हुई हरी मिर्च, और इन्हें 1/2 मिनट के लिए हल्का सा कुक कर लेंगे। अब यहीं पर ऐड करेंगे नमक और चिली फ्लेक्स, साथ ही में जाएगा काली मिर्च का पाउडर, ऑरिगेनो और हरा धनिया का पत्ता, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसमें हम चीज मिक्स करेंगे। मैंने स्टफिंग को हल्का सा ठंडा कर लिया है, अब यहीं पर ये मोजरेला चीज ऐड कर दूंगी, और ये प्रोसेस चीज को जो मैंने क्यूब लिए थे इसको छोटे छोटे मैंने कट कर लिया, इसे आप ग्रेट भी कर सकते हैं, मैं इसे भी यहीं पर ऐड कर देती हूँ, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। स्टफिंग बनकर रेडी हो गई है, अब सैंडविच को असेंबल करना शुरू कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 स्लाइसेस लेंगे, 1 स्लाइस पर हम ये टोमेटो केचप लगाएंगे, और एक साइड पर ये स्टफिंग जो हमने बनाकर रेडी की है इसको असेंबल लगा लेंगे। सकते हैं मैंने एक स्लाइस पे ये जो स्टफिंग रेडी करके रखी थी उसको लगा लिया, और 1 स्लाइस पे टोमेटो केचप। अब हम इसको इस पे इस तरह से रख देंगे, तो ये हमारा पहला सैंडविच बनकर तैयार है। इसी तरह हम बाकी सारे सैंडविच असेंबल कर लेते हैं।
सारे जो सैंडविचेस थे उनको असेंबल कर लिया है। अब हम उन्हें हल्का हल्का सेकेंगे। तो फ्राई पैन पे मैं बटर लगा लेती हूँ। फ्लेम हमारी लो रहेगी। और अब हम इस पे ये सैंडविच प्लेस कर देंगे इस तरह से, और इसे ढक कर 1 मिनट के लिए कुक करेंगे। एक साइड का अच्छे से कुक हो गया, अब हम इसे फ्लिप कर देंगे, दूसरी साइड भी ऐसे ही 1 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। इससे क्या होगा, जो चीज है हमारी मोजरेला चीज वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। हमारा सैंडविच दोनों साइड से अच्छे से सिक चुका है, इसे हम हटा लेंगे, प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से बाकी सैंडविचेस भी तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, चीज़ी सैंडविच बनकर रेडी है। गाइस, बहुत ही डिलीशियस बना है ये चीज़ी सैंडविच, और इसको बनाना उतना ही आसान है। आपने देखा कितने इजी तरीके से मैंने ये चीज़ी सैंडविच बनाकर रेडी किया है। गाइस, आप भी अपने घर में इसी तरह से चीज़ी सैंडविच बनाएं और फुल फैमिली के साथ एंजॉय करें। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।